सो वन पीस में हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां देखने को मिली है। अब उनमें से एक बेस्ट लड़की को ढूंढना थोड़ा सा तो मुश्किल है, पर आज मैं तीन लड़कियों में से कौन ज्यादा बेस्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं उनको रैंक करने वाला हूँ। तो वो लड़कियां हैं नामी, रॉबिन और बोया हैंकॉक। तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, और ये बस मेरे ओपिनियन में बनने वाला है। अगर तुमको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं आता या फिर गलत लगता है तो मुझे प्लीज माफ कर देना, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 3 में है बोया हैंकॉक। अब देखो जो हमारी हैंकॉक जी है उनका जो डेविल फ्रूट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, पर अगर वो किसी को सुंदर नहीं लगी, यानी कि अगर हमारी हैंकॉक भाभी किसी को सुंदर नहीं लगी तो उसका डेविल फ्रूट का कोई भी फायदा नहीं है। और साथ ही साथ वो अच्छी है पर उसके अंदर थोड़ा सा घमंड है उसके ब्यूटीफुल को लेकर, मतलब उसकी सुंदरता को लेकर उसको घमंड है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी है, नहीं वो अच्छी है, बोया हैंकॉक काफी ज्यादा अच्छी इंसान है, पर उसके अंदर थोड़ा सा घमंड है उसकी सुंदरता को लेकर। और ऑब्वियस सी बात है अगर सुंदर है तो उसके अंदर घमंड हो गई, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर 3 में रखा। और अगर मैं नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 में है नामी। अब देखो नामी बहुत ज्यादा सुंदर है और साथ ही साथ उसके पास पावर भी एक अच्छी खासी एबिलिटी है, वेदर के बारे में उसके पास काफी इंफॉर्मेशन है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, और नामी की पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है, वो काफी अच्छी इंसान है। पर आई थिंक वो नंबर 2 ही रिजर्व करती है, क्योंकि नंबर 1 रिजर्व करती है हमारी रॉबिन। अब रॉबिन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है, मतलब काफी ज्यादा समझदार है, और रॉबिन के पास जो डेविल फ्रूट है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, वो दुश्मनों को आराम से धो सकती है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि रॉबिन को हम नंबर 1 में रखते हैं। अब तुम लोग बताओ ये लिस्ट कैसे लगी, अगर तुम सबको ये लिस्ट बुरी लगी है तो मुझे प्लीज माफ कर देना, और अगर तुम्हारी भी कोई लिस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।